नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। स्वागत है आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा वो कोई ना कोई इंटरव्यू में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आपको LVS लाइसेंस प्राप्त करना है, चाहे आप कंपनी में इंटरव्यू देना चाह रहे हो, अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो तो सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में, और उसमें हम लोग कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करते हैं वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा, और साथ में आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन सा ग्रेड का कंक्रीट हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज करते हैं। चाहे आप नॉर्मल घर बना रहे हैं, वहां पर आप स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, फुटिंग कास्टिंग कर रहे हैं, या फिर बीम कॉलम कोई भी चीज आप कास्टिंग कर रहे हैं, वहां पर कौन सा ग्रेड का कॉन्क्रीट हम लोग यूज करते हैं। और ये भी डिस्कस करूंगा जो फुटिंग के नीचे हम लोग पीसीसी देते हैं, या फिर जो लोड बियरिंग वॉल हो रहा है उसका फाउंडेशन लेवल पे जो हम लोग पीसीसी देते हैं, उसमें भी आप कौन सा ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज करते हैं हम लोग करते हैं साइट में, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग यूज करते हैं, वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो अगर ये सब चीज आपको जानना है तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा एंड तक देखते रहिए इस वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय का भाई वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मीन्स क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये इसका एक थोड़ा सा आपको रफ आइडिया में दे देता हूँ। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट में M5, M7.5, M10, M15, M20, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर M मतलब क्या है और 5 मतलब क्या है, इसके ऊपर भी इंटरव्यू में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो M है इसका मतलब क्या है, और ये जो M है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग M फॉर ए स्टैंड फॉर मिक्स, और 5 एक न्यूमेरिकल नंबर, जैसे कि 7.5, 10, 15, 20 इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर है। ये क्या है, अगर आपको कंक्रीट का ब्लॉक बनाना है 150 mm, 150 mm, 150 mm, जब साइड में हम लोग कास्टिंग करते हैं तब इस तरह का एक ब्लॉक लेते हैं जो आयरन का होता है, ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है 150 mm, ठीक है। तो इस ब्लॉक में अगर आप कंक्रीट डालेंगे और इस कंक्रीट को आप 24 आवर्स बाद डिशटरिंग करेंगे इस ब्लॉक से, और इस जो कंक्रीट ब्लॉक होगा, ठीक है, अगर आप M5 यूज़ कर रहे तो, ठीक है, इस तरह का जो कंक्रीट ब्लॉक होगा इसको आप 28 डेज फुल क्यूरिंग में रखेंगे, ठीक है। साफ पानी में 28 डेज आपको फुल क्यूरिंग करना है, ठीक है। तो इसका बाद 28 डेज बाद अगर आप इस ब्लॉक को लैब में लेके जाएंगे और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेन चेक करेंगे तो आएगा 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, अगर आप M5 यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप M20 का यूज़ कर रहे हैं तो ये जो कंक्रीट ब्लॉक है इसका स्ट्रेंथ आएगा 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। खास करके अगर आप LVS लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इंटरव्यू में, कोई भी इंटरव्यू में आप जाइए, आपको एक क्वेश्चन 100 में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर कर दिया मैं। अभी बात करते हैं दोस्तों इसमें कितना वाटर लीटर इसका, इसमें आपका मिक्स कितना होगा और इसमें आपको कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर लगेगा जब आप इसका मिक्सिंग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शन ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अब चाहे तो यहाँ पर आप मिक्स रेशियो भी लिख सकते हैं, मिक्स रेशियो, और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाटर ये मैं लिखता हूँ। ये क्वांटिटी ऑफ वाटर कितने के लिए है, 50 kg सीमेंट के लिए है।
अगर आप 50 केजी सीमेंट मीन्स वन बैग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाटर क्वांटिटी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं M5, उसके बाद M7.5, उसके बाद लिखते हैं M10, उसके बाद लिखते हैं M15, उसके बाद लिखते हैं M20, ठीक है। तो इसके लिए मिक्स प्रोपोर्शन क्या है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे और ये आपको याद रखना है, आपको पूछा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, मिक्स प्रोपोर्शन मीन्स यहाँ पर होता है सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट, ठीक है, ये होता है इसका मिक्स प्रोपोर्शन। तो M5 के लिए सीमेंट 1:5:10, यहाँ पर देखिए 1, 5 और 10, ये आपको जो यूनिट लेना है, अगर मान लीजिए आप वन बैग ले रहे हैं तो 5 यहाँ पर बैग होना चाहिए, 10 भी बैग होना चाहिए, मतलब जहाँ पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ पर चाहे आप कुछ भी मेजरिंग चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक ही चीज़ आपको सीमेंट के लिए भी यूज़ करना है, सैंड के लिए भी यूज़ करना है, एग्रीगेट के लिए भी यूज़ करना है, ठीक है। सिमिलरली M75 में लगेगा 1:4:8 और यहाँ का मिक्स होगा 1:3:6 और नेक्स्ट होगा 1:2:4 और नेक्स्ट होगा 1:1.5:3। ये हो गया दोस्तों इसका मिक्स प्रोपोर्शन। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं डिस्कस कर दूंगा लास्ट में, हम लोग जो घर में बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे आप स्लैब कास्टिंग कीजिए, चाहे आप बीम कास्टिंग लीजिए, फुटिंग कॉलम कुछ भी कास्टिंग कीजिए, उसमें कौन सा ग्रेड का कंक्रीट हम लोग यूज़ करते हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और हम लोग जो PCC करते हैं, PCC मीन्स चाहे आप फाउंडेशन लेवल पे फुटिंग के नीचे आप जिस प्रोपोर्शन में कर सकते हो, वो भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा वीडियो का लास्ट में, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग तो इसके लिए कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर लगेगा 50 केजी सीमेंट के लिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे पहले। तो यहाँ पर लगेगा आपको 60 लीटर वाटर, यहाँ पर लगेगा 45 लीटर वाटर, नेक्स्ट लगेगा 34 लीटर वाटर, नेक्स्ट 32 लीटर वाटर एंड अंतिम में 30 लीटर वाटर। ये हो गया दोस्तों 50 केजी सीमेंट के लिए वाटर क्वांटिटी, ओके। देखिए अभी बात करते हैं हम लोग जो कॉलम वगैरह यूज़ करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, हम लोग M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं, ठीक है, मीन्स 1:1.5:3। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पर 1.5 ये मेजरिंग में थोड़ा दिक्कत आता है, इसीलिए जो मिस्त्री वगैरह लोग होता है या फिर लेबर लोग होता है इसको 2 मान के काम करते हैं, मतलब कि 1 सीमेंट 2 प्रोपोर्शन में सैंड यूज़ करते हैं और 3 प्रोपोर्शन में एग्रीगेट यूज़ करते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ये प्रोपोर्शन काउंट करना भी थोड़ा इजी होता है और याद रखना भी थोड़ा इजी होता है। और M20 का ग्रेड का ही हम लोग रेजिडेंशियल नॉर्मल रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल में आपको पूछा किस ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज़ करना है, उसमें रेशियो क्या होगा, आपको कोई भी पूछ सकते, तो आप बोल सकते 1:2:3 इस प्रोपोर्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो PCC होता है फाउंडेशन लेवल पे फुटिंग के नीचे, या फिर हम लोग जब लोड बेयरिंग वॉल भी करते हैं उसके नीचे भी एक कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देते हैं M7.5, इस रेशियो में हम लोग एक राफ ढलाई करते हैं M7.5, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है स्ट्रक्चर थोड़ा हेवी है तो आप M10 का भी कर सकते हैं जो 1:3:6 में होता है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग 1:4:8 में करते हैं। तो इसके लिए वाटर क्वांटिटी कितना लगेगा वो मैं डिस्कस कर दिया, यहाँ पर भी वाटर क्वांटिटी कितना लगेगा वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों आज का बेसिक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसका रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके लिखिए, और इस तरह का वीडियो आपको और भी चाहिए वो भी आप कमेंट करके लिखिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह का वीडियो और भी लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।